उदय का ख्याल अपने मन से निकाल दे। अगर हम लोग चाहेंगे भी तो भी हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तेरे बाबूजी अब ऐसा होने नहीं देंगे। ध्यान से सुनो हमारी बात। नारायण से कहना कि नंदनी की शादी की सारी तैयारी करके रखे। माँ तो कब से कह रही है दूसरी शादी कर लो। मैंने दूसरी शादी की नहीं ना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। कुछ भी हो, कह तो सच ही रही है ना वो। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? कमरे में ले जा रहा हूँ भाभी। अश्विन, तुम्हें इन्हें जहां ले जाना है ले जाओ, लेकिन प्लीज इन्हें मेरे कमरे में मत लेकर। भाभी भैया अपने कमरे में नहीं जाएंगे तो कहाँ सोएंगे? तुम खुद बताओ, अगर विराज की नींद खुल गई और उसने इन्हें ऐसी हालत में देख लिया तो क्या जवाब दोगे तुम उसे, बताओ। हाँ हाँ, बन्ना भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे देवर जी, ऐसी हालत में तो आपको भैया को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। भाभी प्लीज, थोड़ी देर के लिए आप चुप रहेंगी? अगर पापा जाग गए और उन्हें सब कुछ पता चल गया तो? अश्विन जी, आप प्रदीप भैया को अपने कमरे में सुला दीजिए। ठीक कह रही हैं आप। भैया भैया चलिए, भैया संभाल कर। भैया तो कमाल हो गया, इतनी जोर जोर से बातें की मैंने लेकिन पापा जी की नींद नहीं। कोई बात नहीं, लगता है बुढ़ापे में नींद बहुत गहरी आती। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो पापा जी को पता चल ही जाएगा। अनीता तलवार नाम है मेरा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर दिया छोरी तूने? अरे मेरे जाप का सत्यानाश कर दिया, राम जी भलो करे। क्या हुआ माँ? अरे नहा धोकर शुद्ध होकर जाप के लिए बैठी थी, लेकिन इस कमबख्त छोरी ने सब भ्रष्ट कर दिया। जाने दीजिए माँ, छोटी सी बच्ची है, ये आपके नेम कहाँ समझेगी। अरे यही बात तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं ये छोरी किस खानदान से है, तो हमारे नियम कहां से समझेगी। माँ अब इतनी छोटी सी बच्ची से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके नियम समझेगी, छोटी है ना अभी। अरे वाह बेटा, है ये नहीं कि उसे समझाए बल्कि तू उल्टा उसी का पक्ष ले रहा है। राम जी भला करे, अब मुझे ही दोबारा नहा के दोबारा राम जी के नाम की 108 बार माला जपनी पड़ेगी। माँ जी मैं इसे समझा दूंगी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। इतनी मीठी बनने की कोशिश ना कर बहू रानी,
अरे मुझे सब पता है, तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगा, तभी तो जानबूझ के इससे ऐसी सब हरकतें करवा रहे हो ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊं काशी वापिस। राम जी भला करे, मैं आज के आज ही चली जाऊंगी। माँ नहीं नहीं ऐसा मत कहिए माँ जी, ये घर पहले आपका है, इस घर पे हम पे आपका पूरा अधिकार है। मैं मानती हूँ इससे गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं करेगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे राम जी भला करे, मेरे सामने ये नाटक करने की कोशिश मत करो माँ। अगर मेरा इतना ही ख्याल है तुम्हें तो इसे घर से क्यों नहीं निकाल देती। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, अनु के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, अगर ये चली गई तो मैं जिंदा लाश बन के रह जाऊंगी। आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए मुझसे, पर मुझसे मेरी अनु को अलग मत करिए। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। सुशीला, अनु कहीं नहीं जाएगी, अनु इसी घर में रहे। माँ जिससे ये गलती अनजाने में हुई, आप इस पर इतना चिल्लाइए मत। देखा राम जी भला करे, अगर मेरी परवाह होती तुम लोगों को तो इस बूढ़ी को इस उम्र में काशी जाके रहना पड़ता क्या? अरे एक पराई छोरी के लिए अपनी सगी माँ को तू बातें सुना रहा है? अरे जिस माँ ने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर इस लायक बनाया, उसी को भला बुरा कह रहा है तू? माँ अब बिना वजह बात को बढ़ा रही। हाँ मैं ही पागल हूँ। ठीक है मैं ही जाकर दोबारा नहा कर फिर से जाप कर लूंगी। तुम लोग जाओ इसे छाती से लगा के खूब लाड करो, करो खूब लाड। आप भी भला करें। ये लीजिए नाश्ता नंदिनी बहनी। ये नंदिनी बहनी कहाँ चली गई? फूलवती क्या हाथ में नाश्ता लिए खड़ी है? ठकुराइन मैं बहनी के लिए नाश्ता लेकर आई थी पर वो कमरे में है ही नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की? छोटे ठाकुर के कमरे में तो नहीं है? नहीं नहीं वहाँ नहीं है, मैं तो वहीं से आ रही हूँ। तो फिर वो पंचायत के कार्यालय चली गई होगी। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत थी पंचायती कार्यालय जाने की? मैं कितना डर गई थी। क्या नंदिनी, तुम उदय सिंह की जीवन संगिनी बनने वाली हो। ठकराएं नंदिनी उदय सिंह, फिर भी छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। पता नहीं आजकल मन किसी अनजाने डर से घिरा रहता है। नंदिनी तुम मेरी बाहों में हो और ये हमेशा पूरी दुनिया से तुम्हारी रक्षा करेगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे,
आपको ना मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। लो, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो मैं आता ही क्यों। अच्छा, तो फिर कल कहाँ थे आप? सारा दिन आपकी राह देखते रहे। ठाकुर साहब अब आएंगे, लेकिन ठाकुर साहब का तो कहीं पता ही नहीं था। अच्छा, तो कल मेरा यहाँ इंतजार हो रहा था और बहुत देर तक इंतजार हो रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये इंतजार क्यों हो रहा था? बोलो ना नंदिनी। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा बाबा, सॉरी, कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था, पापा भी नहीं थे तो मुझे जाना पड़ा था, इसलिए नहीं आ सका। आपको पता है उस दिन जब आप हवेली से निकले थे, आपको भीमा ने देख लिया था और आकर माँ को बता दिया था। पता है, लेकिन चिंता मत करो, भीमा ने मेरा चेहरा नहीं देखा तो मुझे नहीं पहचान सकता। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा जब आप बाबूजी से रिश्ते की बात करने आएंगे भीमा आपको पहचान लेगा। तो चलो ठीक है, अब तो डर दूर हुआ ना। कहाँ दूर हुआ, ये देखिए आपकी घड़ी। अरे, ये तुम्हारे पास? मैं घर में कितना ढूंढ रहा था इसे। इसने तो मुझे फंसा दिया था। कैसे? पता है, ये घड़ी फूलवती ने देख ली थी। वो तो मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि ये घड़ी भैया की है और वो मेरे रूम में भूल के चले गए। नंदिनी, झूठ नहीं बोल, झूठ बोलना अच्छी बात। आपके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है देख रहे हैं ना आप? हाँ बाबा, देख रहा हूँ। और एक वादा भी करता हूँ कि जो कुछ भी कर रही हो बहुत जल्द सब बंद हो जाएगा। सच में भगवान करे जैसा हमने सोचा है सब वैसा ही हो। वैसा ही हो। वंदना भाभी बिल्कुल सही कह रही। अरे देवर जी, ऐसी हालत में तो आपको भैया को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। भाभी, भाभी मैं ये कह रहा था कि जो अगर आप लोग मुझे समझाने आए हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। हम आपको समझाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है भाभी, आप बात नहीं करना चाहती, लेकिन हम लोग जो कहना चाहते हैं वो सुन तो लीजिए। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? अच्छा ठीक है भाभी, आप बात नहीं करना चाहती, लेकिन हम लोग जो कहना चाहते हैं वो सुन तो लीजिए। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मैंने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, फिर क्यों सुनूं मैं आपकी बात? भाभी, भाभी आप शांत हो जाइए। भाभी प्लीज, आप बैठिए, यहाँ पे बैठ के हमारी बात सुनिए। भाभी हर बात में लापरवाही, हर काम में बेपरवाही, ऐसे जिंदगी चलती है क्या? इतना बड़ा परिवार बिना पैसे के घर चल सकता है क्या? लेकिन नहीं, किसी को परवाह ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है भाभी, भैया सोचते भी हैं और करना भी चाहते हैं, मगर नहीं हो पाता तो वो क्या करें। प्रदीप भैया पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत निराश है भाभी, ऐसे समय में उन्हें आपका साथ चाहिए, और अगर आप ही ने उनका साथ नहीं दिया तो वो बहुत गहरे अंधेरे में खो जाएंगे भाभी। और मेरा क्या? मैं रोज अनीता के ताने सुनती हूँ, खून का घुट पीकर जीती हूँ,
मैं अपनी परेशानियां लेकर कहां जाऊं? बताओ, इन्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं ना। है भाभी, परवाह है। भैया आपको, विराज को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए सब कुछ नहीं झेल पाते। मगर जानती है भाभी, जब आपकी तरफ से भी बेरुखी मिलती है तो भैया बर्दाश्त नहीं कर पाते और पीने निकल जाते हैं, है ना? बहुत अच्छे अश्विन, तुम भी उनकी गलतियों पे पर्दा डालना शुरू हो गए। नहीं भाभी, मैं साथ नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ भैया की मन स्थिति आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ भाभी, भाभी प्रदीप भैया सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपकी चुपती बातें उनसे सहन नहीं होती और इसलिए वो शराब के नशे में डूब जाते हैं। भाभी, अगर भैया को आपका साथ, आपका प्यार मिल जाएगा ना, तो वो ये सब कभी नहीं करेंगे। करेंगे लक्ष्मी, बार बार करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने आप से प्यार। अगर उन्हें हमारी परवाह होती, हमसे प्यार होता, तो कुछ करके दिखाते। भाभी, ऐसे वक्त में अगर आप भैया का साथ देंगी, उनका हाथ थाम लेंगी, तो वो जरूर कुछ कर दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता। हो सकता है भाभी, अगर आप कोशिश करेंगी तो जरूर हो सकता है। लक्ष्मी, बंजर जमीन में फूल नहीं खिलते। जो रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया हो, उसमें प्यार और साथ की उम्मीद करना बेवकूफी है। भाभी, भाभी, भैया मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगा। आपको घर चलना पड़ेगा मेरे साथ। आपको मेरी कसम, मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। हे भगवान, ये फिर से क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? लक्ष्मी,
जी अश्विन जी। हाँ वो पापा की कौन सी दवाई खत्म हो गई है बता दीजिए, ले आता हूँ। जी एक मिनट। ये लीजिए अश्विन जी। हुँ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अंकल जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा की तबीयत ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रुकिए अश्विन जी, क्या बात है अश्विन जी, क्यों इतने परेशान लग रहे हैं आप? कुछ नहीं लक्ष्मी, मैं प्रदीप भैया के बारे में सोचकर परेशान हूँ, ना जाने उनके हालात कब सुधरेंगे। अश्विन जी देखिए, आप इतने परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। न जाने वो वक्त कब आएगा। प्रदीप भैया अभी कहाँ हैं? भैया अभी भी मेरे कमरे में ही सो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है अश्विन जी कि वंदना भाभी के इस बर्ताव से प्रदीप भैया को अपने घुटन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जानती हो लक्ष्मी, गुस्से में भैया शराब तो पी लेते हैं, मगर उसके बाद खुद को इतना शर्मिंदा महसूस करते हैं कि घर में किसी से नजरें नहीं मिला पाते। अश्विन जी अच्छा होगा अगर हम इस बात का जिक्र प्रदीप भैया के सामने ना करें, वरना वो और शर्मिंदा होंगे। आप जाइए। नहीं पहले तुम जाओ। मैंने कहा ना पहले आप जाइए। तुम जाओ क्योंकि मैं तुम्हें तब तक देखना चाहता हूँ जब तक तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। बहुत जिद्दी हैं आप। हाँ वो तो हूँ भाई, जिद की है तुम्हें पाने की तो पाकर ही रहूंगा। अच्छा देखेंगे। देख लेना नन्नी बिटिया। इस घर में हर इंसान अपने हिसाब से जीना चाहता है। अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी कि नंदिनी बाहर जाकर काम करे, वो तो नारायण ने जिद की तो मुझे भेजना पड़ा। जो चिंता मुझे सबसे ज्यादा खाई जा रही है वो ये है कि ये दोनों लोग विराज के बारे में नहीं सोच रहे। अरे वो छोटा है तो क्या हुआ, समझता तो सब कुछ है ना। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुझे पता है क्या, सब भ्रष्टवाड़ा फैला रखा है। अरे कोई नियम कानून है ही नहीं,